नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। खबर जनपद चंदौली से है, जहां एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देशानुसार जनपद पुलिस द्वारा अवैध शराब की खरीद फरोख्त के बाबत लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सैयद राजा थाना पुलिस स्वाट और सर्वेलेंस टीम ने बर्थी कमरोर के पास चलाए गए संयुक्त अभियान में एक ट्रेलर पर बिहार जा रही करीब 1.5 करोड़ रुपए की अवैध शराब बरामद की। ट्रेलर से कुल 8,469 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़े। उक्त मामले का एएसपी चिरंजीव मुखर्जी ने सैयद राजा थाने में खुलासा करते हुए पुलिस टीम की पीठ थपथपाई और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। ये सूचना प्राप्त हुई कि विदेशी शराब की तस्करी हरियाणा से हो रही है। इसी क्रम में सैयद राजा थाना एसओजी और सर्वेलांस की टीम पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशन के क्रम में जांच एवं गाराबंदी के पश्चात इस ट्रक को पकड़ा गया। इस ट्रक से लगभग 1.5 करोड़ की विदेशी शराब जब्त की गई, जो साथ ही गिरफ्तारी और बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर 25,000 रुपए की नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। आगे पुलिस अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही में जुट गई है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।